बच्चे हैं घर में, बच्चे बच्चे घर में। आप क्या कर रहे हो यार? क्या आप क्या कर रहे हो? बच्चे घर में कांग्रेसी विधायक मदन बिष द्वारा हार्ड इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक से की गई बदसलूकी का वीडियो वायरल होने से उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस व बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई क्षमा याचना या किसी तरह की कार्यवाही की बात नहीं की गई है। लोकतंत्र में इस तरह के आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वो राज्यपाल से मिलकर विधि कार्यवाही की मांग करेंगे, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति को विधायक रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी जब एक विषय ऋषिकेश से घटित हुआ था तो मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएँ होती हैं, और ख़ास तौर पर कल की जो घटना है यह घटना बेशर्मी की हद को पार करती है। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भयका वातावरण बना हुआ है उसके लिए तो क्षमा यातना भी कम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक अपने उस विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं, जो बौखलाहट है, वो अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है। और हमने आज हमारे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा, हमने समय मांगा है, जैसे हमको समय प्राप्त होता है वैधानिक कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का संज्ञान लिया है, जांच की जा रही है, तथ्य जुटाए जा रहे हैं, मदन बिष से बात कर उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ही कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल, चैंपियन गणेश जोशी, राजकुमार ठुकराल व अन्य पार्षदों पर क्या कार्यवाही की है। क्या सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर अलग अलग कानून लागू होते हैं? नहीं, मुकदमा दोनों पार्टी की ओर से किया गया है। मदन बिष जी ने भी मुकदमा किया है और दूसरी पार्टी ने भी मुकदमा किया है, और न्यायिक प्रक्रिया पे तो हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगी। लेकिन पार्टी ने भी अपनी एक इंटरनल जांच समिति बिठाई है और वो पूरे प्रकरण की बारीकी से जाँच कर रही है कि वहाँ पर आखिर में हुआ क्या, क्यों इस कगार पर मामला पहुंचा कि इतनी गर्मा गर्मी दोनों पक्षों के बीच में हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं बयान पढ़ रही थी अभी भाजपा अध्यक्ष का, भाजपा अध्यक्ष तो बताएं कि उन 6 पार्षदों पर उन्होंने क्या एक्शन लिया जिन्होंने अंसल ग्रीन वैली में जाकर एक व्यापारी के घर में हमला बोल दिया, उसकी पत्नी को द्रौपदी की तरह बालों से खींच के सड़क पर लाया गया, एक पार्षद के द्वारा तो पेट्रोल की शीशी तक ले जाई गई उस व्यापारी के ऊपर छिड़कने के लिए, उसके बच्चे सहम गए, उन 6 के 6 पार्षदों पर आपने क्या किया? फिर आपने प्रेमचंद अग्रवाल पर क्या एक्शन लिया जिसने सरेआम चाहे अपना ही कार्यकर्ता पीटा लेकिन गुंडागर्दी की एक नई परिभाषा लिख दी। वहीं आपने गणेश जोशी पर क्या किया, जो गणेश जोशी मंत्री पद पर रहते हुए उनकी उपस्थिति में उनके कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को इतना खतरनाक तरीके से मारा, तो उस महिला अपनी नेत्री पर आपने क्या किया जो एक NRI की मृत्यु में उसकी हत्या में शामिल है और उसके जबरन दाह संस्कार में शामिल थी। यानी कि भाजपा के अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए, अपने नेताओं की परिक्रमा करने के लिए बने हैं और विपक्ष पर इस तरह से जोरदार हमला करने के लिए बने हैं, बाकी अपनी पार्टी या अपने गिरेबान में झांकने का उनका कोई दायित्व नहीं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।